अभिजाज शेखर के साथ प्राइम डेस्क समाचार। खास कार्यक्रम में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी है अधर्मी की पाप शीट। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ऊर्जा का नाश न कर। प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना डीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522309-3500। ताइवा इन्वर्टर बैटरी, नया रूप नई तकनीक, अब पहले से 40% ज्यादा पावर बैकअप। ताइवा इन्वर्टर बैटरी। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ऊर्जा का नाश न कर। राजस्थान पुलिस ने करीब 140 गवाहों से पूछताछ की और उनके बयानों के आधार पर यह चार्जशीट तैयार की। बुधवार को इसे जोधपुर कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि कोर्ट में आसाराम ने जुर्म नहीं कबूला। अदालत से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए आसाराम ने कहा, आरोप है ही नहीं तो कबूल क्या करना। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप 210% बोगस है। बेशर्म हरकतों की वजह से बाबा और बाबागिरी भद पिटवाते हुए आश्रम से जेल तक का सफर तय करने वाले आसाराम बापू का पूरा कच्चा चिट्ठा जोधपुर पुलिस ने तैयार कर लिया है। कानून के सख्त धाराओं में लपेट कर पुलिस ने ऐसा बही खाता तैयार किया है कि लगता नहीं है कि बाबा के आने वाले दिन अब कभी होली या रात दिवाली होगी। आप लोगों का दिवाली बहुत बढ़िया जाएगा, बिल्कुल पक्की 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 बात है। यौन शोषण की तोहमत से शुरू हुआ बाबा की बर्बादी का सफर, सेक्स रैकेट चलाने जैसे घिनौने इल्जाम पर खत्म होगा। ये शायद ही किसी ने सोचा था। अब बाबा पर लगे तमाम इल्जाम अगर अदालत में सच साबित हो गए तो समझ लीजिए कि बाबा की बाकी की जिंदगी जेल में ही कटेगी। आसाराम पर जोधपुर पुलिस ने जो कानूनी धाराएं लगाई हैं, वो बाबा को बाकी पूरी जिंदगी जेल में रखने के लिए काफी हैं। वो धाराएं धारा 120, धारा 342, धारा 354, धारा 375, धारा 506, धारा 509, पॉस्को एक्ट की धारा 5, धारा 370, रमसानों की खरीद फरोख्त 7 साल की सजा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का आरोप उम्र कैद की सजा, धारा 354 छेड़छाड़ और मारपीट 2 साल की सजा, धारा 509 अश्लील बातें करना, धारा 120 साजिश रचने का आरोप, धारा 342 बंधक बनाने का आरोप, धारा 506 धमकी देने का आरोप, धारा 375 बलात्कार का आरोप, शख्सों की धारा 5 और 6 उम्र कैद की सजा। ये सभी धाराएं सिर्फ एक केस यानी शाहजहांपुर की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के इल्जाम में लगाई गई हैं।
बाबा आसाराम के सभी पापों का हिसाब करने की तैयारियां चल रही हैं। अगर ये सभी आरोप साबित हो गए तो बाबा लंबे समय के लिए नप जाएंगे। जोधपुर पुलिस की तो ये भी तैयारी है कि आसाराम के खिलाफ जहां जहां भी मामले हैं सभी को एक साथ चलाकर एक साथ ही आसाराम को सजा दिलाई जाए। आसाराम के खिलाफ चार्जशीट तो पहले ही पेश कर दी जाती लेकिन कुछ वजहों से इसे टाल दिया गया, लेकिन अब आसाराम के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी गई है। वहीं जोधपुर कोर्ट से वापस जेल जा रहे आसाराम ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और वो ट्रायल का सामना करेंगे। आसाराम जी आरोप स्वीकार कर रहे हैं? आरोप लगे हैं वो 210। आसाराम ने धर्म की आड़ में अधर्म की दुकान खोल रखी थी। आसाराम भक्तों को कृष्ण लीला और रामलीला दिखाते थे लेकिन चार्जशीट के हिसाब से आसाराम पापलीला में मशगूल थे। आसाराम के इन कुकर्मों से पूरा सनातन धर्म बदनाम हुआ है। ऐसे में हर तबके को लगता है कि आरोपी आसाराम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आसाराम पर पहली बार इल्जाम तक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का ही लगा था, लेकिन तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, आसाराम की असलियत भी सामने आती रही। 6 नवंबर को दाखिल हुई चार्जशीट में आसाराम पर यौन शोषण, छेड़छाड़, सेक्स रैकेट चलाने और यहां तक कि लड़कियों की खरीद फरोख्त के भी इल्जाम है। जोधपुर पुलिस ने यौन शोषण के इल्जाम में गिरफ्तार आसाराम के खिलाफ इल्जामों की जो फहरिस्त तैयार की है वो अगर इंसाफ की कसौटी पर सही पाई गई, तो आसाराम का हश्र आप सोच सकते हैं। अभिजात शेखर के साथ प्राइम डेस्क समाचार प्लस। तो मैं चाहता हूँ सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, सभी सम्मानित रहें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ऊर्जा का नाश न करें। आसाराम ने कुटिया में नाबालिग लड़की के साथ ऐसा ऐसा घिनौना काम किया है जिसे लफ्जों में बयां करना मुमकिन नहीं है। हम टेलीविजन स्क्रीन पर उस दास्तान को बयां तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये जरूर बता सकते हैं कि आसाराम के गुनाहों पर अगर कोई किताब लिखी जाए तो शायद ही कोई जुर्म होगा जो उस किताब में ना लिखा जाए। जिंदगी भर जेल में रहेंगे आसाराम, कई संगीन धारा लगी है आसाराम बापू पर। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। पुलिस ने आसाराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 370 भी लगाई है, जिसका मतलब इंसानों की खरीद फरोख्त करना है। सीआरपीसी 161 के तहत दिए गए बयानों में आसाराम के गुर्गे और उनके पुराने सेवादार पहले ही आसाराम की कई और करतूतों का खुलासा कर चुके हैं, और उन्हीं खुलासों में आसाराम पर लड़कियों का यौन शोषण करने के साथ साथ उन्हें कब्जे में रखने और उन्हें आगे खरीदने और बेचने के भी इल्जाम लगे हैं। वैसे तो 370 के तहत 7 साल तक की सजा मुमकिन थी, लेकिन अब चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इस मामले में तब्दीली के बाद इसका गुनहगार पाए जाने पर उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। लड़की से छेड़छाड़ करते थे आसाराम, लड़कियों से अश्लील बातें करते थे आसाराम। आसाराम के खिलाफ तैयार पुलिस की चार्जशीट में आईपीसी की धारा 354 शामिल है। पुलिस की माने तो आसाराम ने पीड़ित लड़की के साथ छेड़छाड़ के सिलसिले में मारपीट भी की थी, और इसके तहत आसाराम
354 के भी मुलजिम हैं। जोधपुर पुलिस ने आसाराम को अलग से सजा दिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। जोधपुर पुलिस ने चार्जशीट में 14 ऐसी धाराओं का जिक्र किया है जिनको साबित होने के बाद आसाराम जिंदगी भर जेल में रह सकते हैं। जब आसाराम के सितारे बुलंदी पर थे तो दुनिया उनके कदमों में बिछी रहती थी। अब आसाराम के सितारे गर्दिश में हैं, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभिजात शेखर के साथ क्राइम डेस्क समाचार प्लस। धार्मिक आस्था के नाम पर आम आदमी का दोहन और राजनीतिक संरक्षण में असीम संपत्ति का स्वामी बन सरकार को भी चुनौती देना एक समय आसाराम की फितरत बन चुकी थी। लोगों की आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ करना आसाराम की आदत में शुमार हो चुका था, लेकिन अब आसाराम की अलौकिक शक्तियां गायब हैं। हमारे यहाँ लचर कानून है जिसकी खिल्ली अब तक आसाराम उड़ाते आ रहे थे, मगर अब अंधश्रद्धा का धुआं हट चुका है और अब लगता तो यही है कि आसाराम के पैरों में जिंदगी भर के लिए बेड़ियां बन चुकी हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ऊर्जा का नाश न कर। होने वाला है गांठे नहीं बांधा है, निकाल गमछा बांध कर। पहला गांठ पंजीकरण कराओ, दूसरा गांठ पैसा बचाओ, तीसरा गांठ डिलीवरी के लिए सही जगह चुने, चौथा गांठ सरकार की मुफ्त गाड़ी का लाभ उठाए, चार जरूरी चीज याद रखने के लिए कुछ खबरी हो तो। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाए। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। दूध से सादा पान मसाला। पहली बार कहीं छठ बरतिया मैया कोई है हरी हो हमारी बिपतिया मैया कोई है हरी हो हमारी बिपतिया शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर आपकी खबर रोजाना रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नई दिल्ली में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की दहाड़, कहा समाजवादी पार्टी चाहती है 17 जातियों का हक। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे के विकास की दोहराई बात। महारानी में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने खुद का किया बचाव, कहा हमारे दामन में हजार तैबंद सही लेकिन दाल नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जारी है कांग्रेस की मेहरबानियां, दिल्ली के लुटियन जोन में आवंटित किए 3 बंगले, भाई आनंद को भी आयकर विभाग से मिली बड़ी राहत। आजम खान के खिलाफ बगावत करने वाले कर्मचारियों पर सख्त हुई सरकार, यूपी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत थमाया गया आरोप पत्र। मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण देने का आरोपी बीजेपी विधायक सुरेश राणा संगीत सोम से हटा, रासुका डीएम ने की पुष्टि, जल्द ही हो सकती है दोनों की रिहाई। मुजफ्फरनगर में नहीं थम रही हिंसक वारदातें, बुढ़ाना में किसान की हत्या, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल मुजफ्फरनगर में ही कर रहे हैं कैंप। बहराइच में नरेंद्र मोदी की रैली में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, पार्टी में शामिल होने के सवाल पर कहा सपा को राम राम, बीजेपी छोड़कर सपा में हुए थे शामिल।
नौकरानी मर्डर केस में बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। एक और नौकरानी पर जुर्म थाने का हुआ खुलासा, पुलिस ने नौकरानी को अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तराखंड के दौरे पर ब्रिटेन के राजकुमार